चॉइस कॉलेज की और सब्जेक्ट की कैसे फिल करनी है। सबसे पहले आपने पंजाब बीएड एडमिशंस डॉट जीएनडीयू डॉट एसी डॉट इन पर जाना है। अपना कैंडिडेट लॉगिन है उसको क्लिक करना है। अपना ईमेल आईडी पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर साइड में ब्लैक कलर में प्रिंट रिजल्ट कार्ड है, यहाँ से रिजल्ट कार्ड निकलवाते हो और आगे हो सकता है यहाँ, नहीं तो इधर चॉइस फिलिंग होगा उसको क्लिक कर देना है आपने। पर ये सब कुछ करने से पहले आपको कुछ करना है, वो क्या है कि आपने जो चॉइस फिल करनी है आपके मेजर फैक्टर कंसिडर करके उसकी लिस्ट कॉपी पेन पर बनानी है। बकायदा ये लिखना है नंबर, सीरियल नंबर 1, यहाँ पर कॉलेज आपका कौन सा प्रेफर कर रहे हो। और उसके बाद आप, जरूरी नहीं है वो पूरा ऐसे ग्राफ बनाना है, आप प्लानिंग कर रहे हो, ये प्लानिंग हेल्प करती है। जब लिखा हुआ है उसको एक दिन छोड़ो, फिर अगले दिन रिकंसीडर करो, इन्फॉर्मेशन लो, रिकंसीडर करो। कॉलेज है और आपका मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट के साथ आपने जो भी सोचा है एलिजिबल जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए एडिशनल पेपर ना देना पड़े, जो पीछे बार बार बातें करके आए हैं। उसके अलावा माइनर जो है उसी कॉलेज में अवेलेबल है, ये देख लेना है। इसलिए लिस्ट बनाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ चीजेज आपको चाहिए। माइनर आपने अभी नहीं फिल करना, माइनर कॉलेज में मिलना है लेकिन उस कॉलेज में है ही नहीं, तो आप उस कॉलेज को प्रेफर नहीं करोगे। मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज को जो प्रेफर कर रहे हैं वहां पर कई कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है, दैट इज व्हाई पहले उन गवर्नमेंट कॉलेज को देख लीजिए। एक बार बताया भी है मैंने वीडियो उस पर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट मैट्रिसेस पर। दूसरा नंबर आप ऐसे फिल करते हो, कॉलेज लिखते हो कौन सा है, अगर सेम कॉलेज है कॉम्बिनेशन चेंज करते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन प्रेफर वही मेजर करना है जिसको आपको एडिशनल ना देना पड़े, आप बीएड करते सार एलिजिबल हो जाओ। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 10 प्रेफरेंसेस यहां पर फिल करने को कहा जाएगा। ये लिखा है फिल योर चॉइस नोट, मैक्सिमम 10 चॉइसेस कैन बी फिल्ड। इसका मतलब समझ लेना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10 प्रेफरेंसेस फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल टॉपर हैं जो लड़कियां लड़के आए हैं, टॉपर हैं जहां जिसके 120-130 टॉप का रैंक है, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस यहां फिल करेंगे, उनको मिल जाएगा। लेकिन जिनको डर है कि पहला नहीं, दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, मतलब मेरिट लो है, उनको 10 फिल करनी पड़ेगी। ये आपकी तसल्ली है, आप टॉपर हो, हाई मेरिट में हो, तब भी 10 भर सकते हो, लेकिन 10 फिल करने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपकी मर्जी है कि आपने ये 2 कॉलेज या 1 कॉलेज या 3 कॉलेज प्रेफर किए हैं मान लीजिए, उसके बाद आप कहीं और एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आप सिर्फ उन्हीं कॉलेज को प्रेफरेंस को फिल करोगे। ये नहीं है कि आपको सेकंड काउंसलिंग में चांस नहीं मिलेगा, फिर भी चांस मिलेगा, सेकंड में नहीं मिलता, मैनेजमेंट कोटा है, ऐसे नहीं है कि सीट नहीं मिलेगी, सीट मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये समझ लेना है। अब जो आपने लिस्ट बनाई है, बाकी फैक्टर भी कंसिडर कर लेने चाहिए कि आपको एडिशनल सब्जेक्ट जिसका एडिशनल पेपर बीए का देना पड़े वो प्रेफर पहले नहीं करना, अगर मजबूरी है तो करना ही करना है, वो भी ध्यान रखना है, वो पीछे बातें करके आए हैं। प्रेफर करना है सब्जेक्ट जो 3 साल और इलेक्टिव पढ़ा हुआ है, डोंट लॉक, इनिशियली लॉक नहीं करना हमने, फीस, डिस्टेंस, टीईटी, नॉलेज, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट जॉब, इन फैक्टर को ध्यान में रखना है जब ये लिस्ट बनानी है पीछे। अब लिस्ट बन गई है, लिस्ट का ये आ गया है, पहले आपने यहां से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है, और मेरे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल यहां पर ली हुई है, और भी ये एक एग्जाम्पल है कि बीएससी मेडिकल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी हुई है, जनरल इंग्लिश जनरल पंजाबी है, तो मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन इसमें क्या बन रहा है, फिजिकल साइंस, और इसके बेस पर बन गया मान लीजिए साइंस बन रहा है, और बायो साइंस पर लाइफ साइंस बन गया है, जहाँ साइंस और इसके बेस पर ये दो अलग करके ये रहा ऐसे ना, चलो ये बताना नहीं है, मतलब इन दोनों को मिला के मान लीजिए साइंस बन गया है, और साइंस के साथ ये फिजिकल साइंस बन गया है, ये मेरे, मुझे लगता है ये मेरे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैं जी पंजाबी और जी इसको इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि मुझे एडिशनल पेपर देने पड़ने हैं, और मेरा इंटरेस्ट साइंस में था, इलेक्टिव पढ़े हुए हैं, दैट इज़ वाई। और साइंस और फिजिकल साइंस या साइंस लाइफ साइंस, ये मेरी चॉइसेस है। आगे आपने सोचना है कि आपने एमएससी कौन सी करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोचा है कि आपने बायो, जूलॉजी ऐसी करनी, लाइफ साइंस के रिलेटेड है, तो ये भी प्रेफर नहीं करना।
जी अब आपका बन गया साइंस और लाइफ साइंस, अब यहाँ आके गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी मेरा टॉप मेरिट में है तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज को फिल करूंगा, लेकिन फिल करने से पहले मैंने कहा था देख लेना है, यहाँ भी वो दिखाएंगे अगर आपने नहीं देखा। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज को पहले मैंने प्रेफर किया है, मान लीजिए ये रहा गवर्नमेंट कॉलेज, ओके गवर्नमेंट कॉलेज में सब्जेक्ट प्रेफर किया कि सोशल स्टडी, फिजिकल साइंस, और ये साइंस अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर साइड ने बड़ा अच्छा किया है कि माइनर सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय सिलेक्टेड कॉलेज, यहाँ पर इंग्लिश ही है, मैंने इंग्लिश लेनी नहीं है, पंजाबी है मैंने लेनी नहीं है, मैथ मैंने लेना नहीं है, मेजर भी मेरा वहाँ नहीं बन रहा और माइनर भी मुझे नहीं मिल रहा, ये ध्यान से देखिए। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेशक हाई रैंक था इसलिए मैं इस कॉलेज को रिजेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये मैंने पहले देख लिया है तो उस लिस्ट में यहाँ पर जो लिस्ट बनाई थी यहाँ पर ये पहले ही मैंने कॉलेज को रखा ही नहीं है, रिजेक्ट में रखा है। नेक्स्ट मैंने कॉलेज देखा है कौन सा प्रेफर किया है, ये मान लीजिए ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है, गवर्नमेंट कॉलेज है, मान लीजिए मैं जलंधर में रह रहा हूँ, मैं जलंधर में प्रेफर कर रहा हूँ इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन है मान लीजिए, है ना। यहाँ पर अब मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट किए हैं, क्या मेरा साइंस अवेलेबल, अगर अवेलेबल है मेरे सूटेबिलिटी है, बाकी चीज़ें देख के अगर मैंने कॉलेज सेलेक्ट किया है तो ये साइंस मैंने यहाँ फिल कर दिया। साइंस फिल करने के बाद यहाँ पर होगा ऐड चॉइस, ये ऐड चॉइस को क्लिक किया और पहली चॉइस मेरी पहली प्रेफरेंस फिल हो गई, मैं 10 तक फिल कर सकता हूँ। यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हो अगर चेंज करनी है, अगर आप लॉक एंड प्रिंट इसको नहीं करना, अभी लास्ट डे तक बेशक वेट करो कोई समस्या नहीं आएगी, तो इसको फिल करके इसकी फोटो लेके इस प्रेफरेंस को फिल मतलब देख सकते हो कि मैंने ठीक किया है, चेंज करना है। मान लीजिए ये हो गया आपका कि फिजिकल साइंस या लाइफ साइंस, वहां जाके माइनर मिल जाएगा, ये मैंने देखना है। यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन है, कंप्यूटर एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, ओके मुझे लाइफ साइंस मिल जाएगा। दूसरा यहाँ फिजिकल एजुकेशन नहीं, फिजिकल साइंस नहीं, लाइफ साइंस मुझे चाहिए, तो ये एक प्रेफर्ड मेरा एरिया है क्योंकि एमएससी ये मैंने ये ही करनी है, तो ये मेरे लिए एक पक्का कॉलेज हो गया, मैंने लॉक कर लिया, लेकिन मैंने ये यहाँ पर लॉक नहीं किया। अब सेकंड प्रेफरेंस भी मैं फिल करना चाहता हूँ और मैंने फिर यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव रखी है बिल्कुल नज़दीक और कॉलेज सेलेक्ट किया है, कॉलेज मैं बिल्कुल नज़दीक का सेलेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं दूर नहीं जा, ये आपकी प्रेफरेंस है दूर जाना है नहीं जाना है। मान लीजिए ये मेरे पास आ गया कॉलेज MGN कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ओके ये फिल कर दिया मैंने। इसके बाद ये रख दिया कि मेरे पास साइंस है, यस मैंने साइंस, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे वो लाइफ साइंस फिजिकल साइंस मिल रहा है, कंप्यूटर एजुकेशन है, ये बता दूं यहाँ पर फिल करते हुए भी ये गाइडेंस आपको मिल रही है इसलिए बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल साइंस है, यहाँ लाइफ साइंस नहीं है, ओके तो ये हो सकता है कि लाइफ साइंस अगर मैं प्रेफर कर रहा हूँ तो नेचुरली ये कॉलेज फिल नहीं करूँगा। मान लीजिए ये कॉलेज आप फिल कर रहे हो, यहाँ फिर आप ऐड चॉइस में जाते हो, सेकंड कॉलेज है आपका फिल हो गया, फिर आप जाते हो सिलेक्ट यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर कॉलेज सेलेक्ट किया। अब मैं और कॉलेज जो मेरे लायक है, मान लीजिए ये गर्ल्स कॉलेज है लेकिन खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये अमृतसर है, लायरपुर खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, मान लीजिए मैं वुमेन हूँ तो मैंने ये क्लिक कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पहले सबसे पहले मैंने देखना है कि सब्जेक्ट जो मैं चाहता हूँ साइंस है, यहाँ पर साइंस को क्लिक किया और यहाँ पर अवेलेबल है कॉमर्स, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, होम साइंस, लाइफ साइंस भी है और साइंस है, मैंने साइंस को फिल किया, लेकिन ये पहले देखना है कि मुझे दूसरा सब्जेक्ट लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस मिल रहा है। ये नहीं है कि लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस, इतने रिलैक्स नहीं चलना। आप अगर लाइफ साइंस की ही कर रहे हो MSc तो आपने उस कॉलेज को प्रेफर ही नहीं करना, बेस्ट गाइडेंस ये है। मतलब आप हैरान हो जाओगे, 80-90% बीएड वाले ये गलती करते हैं, कोई बात नहीं दूसरा लेके कर लेंगे, नहीं बाद में जॉब के लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा ये हो गया, तो यहाँ पर कंप्यूटर है, इंग्लिश, हिंदी, लाइफ साइंस है, ओके तो मैं क्या करूँगा कि क्योंकि लाइफ साइंस है फिर मैं ये जो है ये वाला जो है इसको सेकंड ऑप्शन में ऐड चॉइस कर दी है,
तो लेकिन मुझे लाइफ साइंस चाहिए, यहाँ नहीं है एमजीएन में, लायरपुर खालसा कॉलेज में है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद ये मेरी सेकंड चॉइस बन गई, लायलपुर खालसा कॉलेज। ओके, इसके बाद मैं कहाँ टिका हुआ हूँ, साइंस और लाइफ साइंस पर ही। नेक्स्ट मैंने एक और फिल करनी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और इसमें कॉलेज कौन सा चूज़ करूँ सबसे नज़दीक। मैंने चूज़ किया है एडेड कॉलेज, रामगढ़िया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पर सिलेक्ट देखूँगा सब्जेक्ट, अगर साइंस है तो बेटर है, अदरवाइज इसको छोड़ दूंगा, साइंस है। मैंने यहाँ क्लिक किया और पहले देख लेना है, ये बाद में मैं देख रहा हूँ, आपने पहले देखना है, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडी। यहाँ पर लाइफ साइंस नहीं है, दैट इज़ वाई इसको सिलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वापस चलेंगे, ये मैं इतना काम करके दिखा रहा हूँ, अगर आपकी लिस्ट और माइनर सब्जेक्ट आपने पहले से देख रखे हैं तो आपको इतना वो नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये ऐड नहीं किया, अभी तक मेरे दो ही हैं। देखिए, दो, तीसरा मैं दोबारा फिल कर रहा हूँ, रामगढ़िया कॉलेज कैंसिल हो गया। तीसरी प्रेफरेंस मैंने देखा मेरे नज़दीक सिटी कॉलेज है और मैंने ये फिल किया, यहाँ पर साइंस अवेलेबल है। इससे पहले मैं ये देख लूँ कि फिजिकल यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर लाइफ साइंस अवेलेबल है, तो लाइफ साइंस अवेलेबल है तो ये सब्जेक्ट साइंस यहाँ मैंने फिल कर दिया। ये ऊपर देखे, अगर नहीं दिखाई देता तो यहाँ से क्लिक ऊपर नीचे करके देखना है कि अवेलेबल है, इतनी एरर से आपकी गलती हो सकती है। ओके, नहीं तो सीट मैट्रिसेस अच्छे से देख लो। तो ये हो गई तीसरी चॉइस को मैंने ऐड कर दिया, ये तीन चॉइसेस फिल हो गई। अगर मैं बिना समझे इसको कर देता तो मेरे पास पहले गवर्नमेंट कॉलेज होना था, गवर्नमेंट कॉलेज में वो सब्जेक्ट ही नहीं है, बेशक मैंने फीस बचानी थी लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो जानी थी, है ना। तो दूसरा रामगढ़िया था, वो भी डिलीट हो गया, एमजीएन था, वो भी डिलीट हो गया। कारण की है क्या है, वो मेरे नज़दीक थे लेकिन मैं सब्जेक्ट के लिए दूर जा रहा हूँ, यही बात आपको बता रहा हूँ, थोड़ी कुर्बानी कर रहा हूँ क्योंकि मैं बीएड करने के बाद जॉब के लिए एलिजिबल बन जाऊँ। तो मेरे तीन चॉइसेस हैं, इससे दूर मेरी मेरिट अच्छी है, यहाँ तक ही मैं जाऊँगा। हाँ, अगर और भी हैं आपकी चॉइसेस तो आप अपनी प्रेफरेंस बना के रखिए, ये मैं कह रहा हूँ कि आप 10 तक अपनी बना के वैसे रखो, 10 तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर बहुत कम आपकी मेरिट जा रही है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से ये हो गया मेडिकल का, ऐसे ही नॉन मेडिकल का है, जैसे मैथ्स है ना, मैथ्स आपका ये बन गया आपका मेजर सब्जेक्ट के, आप मैथ्स ही लोगे, सॉरी मेजर सब्जेक्ट बन गया। मेजर सब्जेक्ट के बाद आप, हो सकता है कि साइंस भी आपका बन रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मैथ भी मेजर बन रहा है, साइंस भी मेजर बन रहा है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ना नहीं है, इनको तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है, अब इसी पर टिके रहना है। मैथ्स और साइंस आपका दोनों बन रहे हैं तो दोनों ही टीजीटी है, पीजीटी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप पीजीटी के लिए जाना चाहते तो फिजिकल साइंस लोगे, फिजिकल लाइफ साइंस आपका नहीं बनता, ठीक। तो ये मैथ और साइंस मेजर दोनों ही फिल करते हैं, करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। अगर ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल साइंस की यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट की गुरु नानक देव, और यहाँ पर सेलेक्ट किया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज पहले देखा है ना, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन देखा, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए मैथ्स, हाँ है मैथ्स है, तो क्या साइंस मेरे लिए मेजर है? अब ध्यान से देखना, साइंस मेजर है, नहीं मिल रहा, ध्यान से देखेंगे, नहीं, अब मेरे लिए साइंस नहीं है, फिजिकल साइंस है। मैं फीस बचाने के लिए यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। बेशक मेरा मैथ्स है, मैथ्स और फिजिकल साइंस मैं ले सकता हूँ, मैं पीजीटी के लिए 2 साल वेट करके उसके लिए एलिजिबल नहीं बनना चाहता, मैं अभी बनना चाहता हूँ बीएड के बाद, तो मुझे मैथ और साइंस ही चाहिए, दैट इज़ वाई मैं अड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज को यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा हूँ। इसकी बाद मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कौन सा कॉलेज, मैंने इनोसेंट को प्रेफर किया है, ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर साइंस है, यस है, मैथ्स है, फाइनल ये रहा साइंस मैथ्स। अब ये देखिए, इस कॉलेज में साइंस भी है मैथ्स भी है, पहले मैंने साइंस फिल किया, ओके, इसी कॉलेज में इसको लॉक कर दिया, ये हो गया ऐड चॉइस, मेरा पहला फिल हो गया। दूसरा फिर है कि मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में गया और उसके बाद मैंने कॉलेज में एंटर किया, कॉलेज कौन सा है, ये रहा इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
ये कहाँ भाग गया यार, ये रहा, ओके ये हो गया। उसके बाद अब मैंने पहले क्या साइंस मेजर सब्जेक्ट फिल किया था, अब इस कॉलेज में मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, मैथमेटिक्स भी है और मैथमेटिक्स लेके मैंने अब मेजर ले लिया है। इसको ध्यान से समझ लेना कि पहले मैंने साइंस मेजर कोर्स लिया है, वहाँ जाके मुझे मैथ्स मिल जाना है, ठीक, क्योंकि मैथ्स अवेलेबल है माइनर में। मैंने मैथ्स फिल कर दिया है, मुझे साइंस जो है मिल जाएगी, साइंस है, ये रहा साइंस। तो ऐसे कॉलेज में फायदा है, यहाँ पर मैं दो कॉलेज हैं लेकिन मेरी दोनों ही मेजर प्रेफरेंस बन रही है, दोनों ही मुझे मिल जाएंगे। तो इसके बाद मैं साइंस और फिजिकल साइंस और कोई इस कॉलेज में नहीं बनता, मैं तीसरा कॉलेज फिर देखूंगा कि जिसमें मेरा साइंस या मैथ दोनों ही मिल रहे हो। अगर साइंस मिल रहा है, मैथ्स माइनर मिल रहा है, तो वहाँ साइंस फिल करके एक फिल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, फॉर एग्जांपल मैं उसके बाद गया यहाँ पर MGN कॉलेज में जाते हैं, MGN में यहाँ पर MGN कॉलेज गया है ना, अच्छा कॉलेज है ये MGN कॉलेज, यहाँ साइंस है पर देखना है कि मैथ अवेलेबल है, ये रहा मैथ, ये रही साइंस, साइंस फिल कर दिया, मैथ वहाँ मुझे मिल जाएगा एड चॉइस, और ये हो गया आपकी तीसरी चॉइस फिल, ओके। अगर फिर वो है दूसरा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में जाके MGN में जाके या MGN, और देखा कि ये फिर मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि यहाँ मैथमेटिक्स है, मैंने मैथमेटिक्स फिल कर दिया, कि अगर साइंस अवेलेबल है, साइंस साइंस कंप्यूटर साइंस माइनर देखना है, यहाँ मैंने अब मैथ्स लिया है ना, मैथ के जाकर मुझे कॉलेज में माइनर साइंस मिल जाएगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर गड़बड़ होगी, इसलिए ये चॉइस मैं फिल नहीं करूँगा, यहाँ पर एक ही है, ठीक है, साइंस, क्योंकि साइंस मैथ्स मुझे ऐसे मिल जाएगा, मैथ से साइंस नहीं मिलेगा। तो वापस मैं जाकर MGN कॉलेज को चेंज करके खालसा लायरपुर खालसा कॉलेज, ये रहा लायरपुर खालसा कॉलेज वुमेन, इसको क्लिक किया और देखा कि यहाँ पर साइंस है, यहाँ साइंस है, क्या यहाँ पर मैथ्स अवेलेबल है, ये रहा मैथ्स, और मैंने साइंस और मैथ्स को फिर ऐड कर दिया, यहाँ पर कहाँ गया ये ऐड चॉइस है ना। तो ये हो गया मेरा तीसरा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी लायलपुर खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, साइंस मैथ्स जाके मुझे मिल जाएगा। अब मैंने देखना है कि चौथा जो फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके ये मैंने लायलपुर खालसा कॉलेज वुमेन सेलेक्ट किया, और देखना है कि मुझे मैथ्स यहाँ मिल रहा है या मिल रहा है, लेकिन ये देखना है कि माइनर जाके मिल जाएगा साइंस, माइनर लाइफ साइंस है, हाँ देखा यहाँ भी माइनर जो है ये रहा माइनर साइंस नहीं है, दूसरी ऑप्शन लायरपुर खालसा कॉलेज फिल नहीं होगी, दैट इज़ वाई ये भी रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप अपनी प्रेफरेंस को फिल करोगे, ऐसे जो आपकी, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पर, ये रहा है ना, ऐसे आपकी प्रेफरेंस बनेगी। इसकी फोटो या सेव करके रख लो, फोटो क्लिक करके रख लो, अगले दिन कंसिडर करो, अगर चेंज कुछ करना है करो, कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वेबसाइट से है, सीट मैट्रिक्स से है, तो किसी टीचर से वहाँ जाके मिलो, पिछले बच्चे जो हैं पढ़े हुए वहाँ उनका बेस्ट एक्सपीरियंस है, एक एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, उससे ही बुरा हुआ वो कॉलेज अच्छा हो, ये भी हो सकता है एक के लिए अच्छा हो बाकियों के लिए, तो दो चार जानों से जहाँ से भी डाटा मिलता है जो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है उसके मुताबिक। तो ये साथ साथ में आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो अभी इसको प्रेफर मतलब अगर मेरिट अच्छी है तो ये, अदरवाइज ज़्यादा है तो मान लीजिए मेरी 75 हैं तो मैं 10 कॉलेज फिल कर रहा हूँ, मैं 10 के 10 की प्रेफरेंस फिल करूँगा है ना, क्योंकि सीट मिले मैं कॉलेज में रिपोर्ट ना करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सीट मिलती है जहाँ आपने आपकी प्रेफरेंस 9th है 7th है यहाँ पर आई, तो वो आपकी इतनी आप वहाँ तंग हो गए आपको लगता है, तो आप कॉलेज में रिपोर्ट मत करना, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करते, तो सेकंड काउंसलिंग में फिर आ जाओगे, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि अगर फिर भी नहीं मिलती 10,000-20,000 अधिक देके मैनेजमेंट कोटा में नज़दीक मिल रही है तो वो प्रेफर किया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि आप इसको, क्योंकि इसने आपको TET, फिर बता रहा हूँ, साइंस के 60 क्वेश्चन आने हैं, ओके, जो TET क्लियर करना है, फिर सिलेक्शन टेस्ट होना है, सिलेक्शन टेस्ट के 60 के 150 क्वेश्चन बन जाने हैं, दैट इज़ वाई आप ऑड कॉम्बिनेशन लेके ये कहाँ कम्पीट कर पाओगे,
अगर आपका ही सब्जेक्ट है तो कंफर्टेबल होगे और उसके लिए सिलेक्शन टेस्ट ओके तो उसके लिए आप कम्पीट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन हो, इसी वीडियो के नीचे डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज। एक दो और एग्जांपल है, अगर आप कहोगे तो सोशल साइंस की भी एग्जांपल दे दूंगा, आप कह दो ऐसे मैं फिल करके एग्जांपल दे दूंगा। सोशल साइंस की है, लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए नहीं दिया। थैंक यू।